हाँ तो दोस्तों नमस्ते प्रणाम आपके अपने डीपीसी सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं मैथ की एक ऐसे ट्रिक के बारे में जो बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, और जब उस टाइप का मैथ आता है तो उन लोग बहुत ज्यादा गलती कर बैठते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं, जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि -3 के पावर 5 और डिवाइड यानी भाग देना है, इसको भाग देना है -3 के पावर 9 से। तो अब हम देखने वाले हैं कि जब 2 नंबर दिया हो और उसका बेस समान हो और भागा देना हो तो कैसे देंगे। तो देखिए इसे कैसे हम बनाएंगे। तो जब बेस समान हो और डिवाइड करना हो, जब दोनों का बेस समान हो और डिवाइड करना हो, डिवाइड करना हो तो पावर क्या होता है, घट जाता है। पावर क्या होगा, घट जाता है। जैसे -3 के पावर 5 और क्या करना है, भागा करना है ना, कितना दे, -3 के पावर 9 से। तो ए को लिखेंगे -3, इसका पावर क्या होगा, घट जाएगा, क्या होगा, यानी 5 - 9 = -3 के पावर कितना लिखें, 4 - 4 3 के पावर -4। ये हो गया आपका आंसर। इसे आप एक और तरीका से लिख सकते हैं। हमने आपको पहले बता चुका है कि जब भी मान लीजिए यहाँ पर 2 दिया हो और पावर में -2 है तो उसे कैसे लिखते हैं हम लोग, 1/2 के पावर 2, यानी माइनस को हटाने के लिए इसको क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, यानी जो नीचे रहता है उसको ऊपर कर देते हैं और जो ऊपर रहता है उसको नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पर भी माइनस लगा हुआ है, तो माइनस हटाने के लिए इसको क्या करेंगे, लिख सकते हैं -1/3 के पावर 4। इसका आंसर 3 हो जाएगा, ई वाला भी हो जाएगा, ई वाला भी हो जाएगा। तो हमने बताया कि जब भागा देना हो और बेस समान हो तो पावर को क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। और पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जब बेस समान हो तो आप गुणा करना हो तो पावर का किया जाता है, जोड़ा जाता है। ये बात को ध्यान में रखा जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।